मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए मतदान को लेकर वोटों की गिनती लगातार जारी है और इसके नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। 28 में से 21 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है और जिसमें से 6 सीटों पर तो बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। देखिए खास एमपी उपचुनाव में बीजेपी ने बनाई बड़ी बढ़त। 28 सीटों में से 21 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी, 6 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की बड़ी जीत। नहीं चला कांग्रेस का टिकाऊ और बिकाऊ का नारा। प्रदेश के 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में वोटों की गिनती अब अंतिम राउंड की तरफ बढ़ रही है। नतीजे आने शुरू हो गए हैं। उपचुनाव में जीत का पहला खाता खोला मंधाता से बीजेपी उम्मीदवार नारायण पटेल ने, जिन्होंने मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह को 22,000 से अधिक मतों से करारी शिकस्त दी। इसके बाद सुवासरा से भाजपा प्रत्याशी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने 29,440 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं शिवराज सरकार के 3 और सिंधिया समर्थक मंत्री बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांची से प्रभुराम चौधरी और अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी ने बड़ी जीत हासिल की। उपचुनाव में मिल रही एक तरफा जीत से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। पूरे प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में मिल रही बीजेपी को बढ़त के बाद राजधानी भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं उपचुनाव में मिली इस भारी सफलता से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा काफी खुश नजर आए। शर्मा ने उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी की निर्णायक बढ़त को देखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा को बधाई दी। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी और इस दुनिया के ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो ऐतिहासिक जीत हुई है और मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक जीत जिस प्रकार से हुई है, उसके लिए मेरी ओर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, इस उपचुनाव में हम सब लोग चुनाव का परिदृश्य देख रहे थे। आपका एग्जिट पोल कह रहा था क्या भाजपा को समर्थन मिलेगा, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश के अंदर हासिल करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने 15 महीनों में जिस प्रकार से गरीबों के हक और अधिकार को छीना, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रहार किए गए थे, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को लूटा गया था, मैंने कहा था क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करने का काम कमलनाथ जी आपने किया है, तो इसका जवाब बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देगा। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस कठिन चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जनता ने जो समर्थन दिया है कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसमें सारे हमारे लीडर्स जिन्होंने टीम भावना के साथ काम करके इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है,
इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सारे नेतृत्व को और हमारे सारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार पुनः बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कुल मिलाकर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को घेरने के लिए बिकाऊ और गद्दार का मुद्दा हर सभा में उछाला, लेकिन 10 नवंबर को मतगणना के परिणाम में ये रणनीति नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।